गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति और पूरे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व एवं समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष हम नतमस्तक हैं, मस्तक झुकाते हैं। जो भी भूमिका मिली है, जो भी दायित्व मिला है, उसको पूरी निष्ठापूर्वक और पूरी सक्षमता से निभाएंगे। नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे अभिभावक नेताओं के प्रति बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव में सभी सांसद अपने अपने टिकटों के लिए दिल्ली से पटना और मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में 6 सीटों पर राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ है। जी हां, राज्यसभा सांसदों में एनडीए गठबंधन के तरफ से आपने देखा किस तरीके से फ्लोर टेस्ट के बाद बिहार में सांसदों ने अपना अपना उम्मीदवारी भरा, पर्चा भरा, और पर्चा भरने के साथ साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जीत सुनिश्चित उन्होंने करा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सिपाहियों को भेजा गया राज्यसभा में, जिसमें धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जदयू की तरफ से संजय झा को भेजा गया है। और देखिए, सभी का चुनाव इस वक्त हो चुका है, सभी राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। बिना विरोध के इन सभी का चुनाव हुआ है और सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही जो दोनों सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं भारत लाइव के कैमरे पर, हम आपको सुना देते हैं। पार्टी ने हम दोनों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। इस अवसर पर हम गदगद हैं, आह्लादित हैं और पार्टी के समक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के प्रति और पूरे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व एवं समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष हम नतमस्तक हैं, मस्तक झुकाते हैं, पूरी पार्टी के प्रति आभार, मस्तक झुकाकर। नई भूमिकाओं में रहे हैं। जो भी भूमिका मिली है, जो भी दायित्व मिला है, उसको पूरी निष्ठापूर्वक और पूरी सक्षमता से निभाएंगे। बिहार की आवाज़ राष्ट्रीय फलक पर गूंजेगी। पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ और समाज के सभी वर्गों की आवाज़ को हम राज्यसभा में बुलंद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भारत को विकसित करने का 2047 में लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति में हम एक गिलहरी की तरह थोड़ी सी भी भूमिका अदा कर सके तो अपने का अहोभाग्य समझेंगे। सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे अभिभावक नेताओं के प्रति बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूं, उनको प्रणाम करती हूं, नमन करती हूं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय बिहार में पहली बार महिला मोर्चा की अध्यक्ष को इतना बड़ा सम्मानजनक उन्होंने एक नेतृत्व करने का क्षमता मुझे दिया है, अवसर दिया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी ने एक साधारण परिवार की महिला, एक कार्यकर्ता को जो योग्य समझा, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे देश के, हमारे बिहार के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित पंक्ति के लोग तक पहुँचने का काम करूँगी। और हमारा पार्टी ने जिस विश्वास से बनाया, उस विश्वास पर खड़ी उतरने की पूर्ण कोशिश
करूंगी और बिहार और देश के निर्माण में अगर मेरी छोटी सी भूमिका भी हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझती हूँ और संपूर्ण पार्टी के प्रति प्रणाम करती हूँ, नतमस्तक होके और उनके आगे खड़ी उतरने की पूरी प्रयास करूँगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।